केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने आज से अपने चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार की शुरुआत करते हुए विजय संकल्प यात्रा निकाली। अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ओम प्रकाश राय ने। अनुराग ठाकुर आ चुके हैं वोटा चौक, यहाँ पर वो जो आप देखिए यहाँ पर विजय संकल्प यात्रा में अपना भाग लेने के आ रहे हैं। अनुराग जी क्या कहेंगे सर? मुझे कुछ नहीं कहना, आपके सामने देखते बनता है। ये जोश उत्साह दिखाता है कि मोदी जी की लहर है, फिर मोदी फिर भाजपा। सर 400 पार है, पिछली बार 4 लाख पार किए थे, इस बार कितना होगा? जनता ने यहाँ रिकॉर्ड बनाएगी, इतिहास बनाएगी। यहीं के आगे क्या सर, क्या रहेगा इस बार, क्या रहेगा अनुराग जी इस बार क्या रहेगा? 4 लाख पिछली बार, 400 पार इस बार। ऐतिहासिक जीत रहेगी, ऐतिहासिक जीत रहेगी सर। आप ये अपने रथ यात्रा के लिए निकल चुके हैं, आप देख लीजिए कितनी धक्का मुक्की है। और ये देखिए आप अनुराग ठाकुर जी, यहाँ पे कितनी भीड़ है। हमने बात की और बड़ी अच्छे ढंग से उनसे बातचीत हुई। आप कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ से विजय संकल्प रैली पर। वो देखिए निकलेंगे, एक्सक्लूसिव हमसे बात की है, भोटा चौक पर आ चुके हैं। देखिए हुजूम है, आप देखिए कैसा हुजूम है लोगों का यहाँ पे, और भीड़ जो है आगे बढ़ने नहीं दे रही है। हर कोई चाहता है कि उनके जो चहेते नेता हैं अनुराग ठाकुर, उनका एक बार उन्हें एक माला पहना दे, उन पर फूल बरसा दे। सारा जो पिछली बार 4 लाख का रिकॉर्ड था जीत का, उसको भी जो है ये तोड़ना चाहते हैं। और आप देखिए हम जिस तरह उन्होंने बात की कि इस बार एक अलग ही रिकॉर्ड जो है बनेगा, तो आप देख रहे हैं कि जिस तरह से भोटा चौक पर आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं। और अनुराग जी से हमने एक्सक्लूसिव बात की, उनका कहना है कि 400 पार तो करेंगे ही हम इस बार। जो नारा है एनडीए का और बीजेपी सरकार का, पीएम मोदी का, लेकिन जो 4 लाख का पिछली बार रिकॉर्ड था, वो रिकॉर्ड भी इस बार हमीरपुर में टूटेगा। हमीरपुर से कैमरामैन स्वास्तिक के साथ ओम प्रकाश राय, भारत एक्सप्रेस।